खैर मेरा एक सवाल है आपसे अगर वजू किया हो अगर जोजा को भोसा दे या उसका हाथ चूम ले या उसके करीब चूमले तो वजू टूट जाता है या कायम रहता है एक आदमी बावजू हो और वो अपनी अहलिया मोतरमा को किस कर ले बोसा कर ले और हाथ चूम ले माथा चूम ले सीने से लगा ले तो क्या इससे वज़ू टूट जाता है अच्छा देखें अर्ज़ ये करनी है कि वज़ू जो है वो बोसा लेने से और हक़ करने से तो वज़ू नहीं टूटता लेकिन अगर कोई आदमी जवान है और वो यानी अपनी अहलिया का बोसा लेता है या उन उस, उसको हक़ करता है आ, तो उससे आ, अगर कोई मादा जिसको मज़ी कहते हैं यानी एक मादा होता है रतूबत होती है जो इंसान की ख़ारिज होती है तो शर्मगास है तो असल में बोसा लेने से वज़ू नहीं टूटता लेकिन अगर वो मादा खारिज हो तीन चीज़ें होती हैं अभी मुझे तफसील से तो मैं बहुत ज़्यादा बयान नहीं कर सकता लेकिन अगर आ, कोई रुतबत अगर शर्मगा से निकले थोड़ी सी भी निकले तो उससे क्या होता है वज़ू टूट जाता है गुसल फ़र्ज नहीं होता लेकिन जो है वज़ू टूट जाता है अगर कोई ऐसी कोई रुतूबत नहीं निकलती और कोई इंतजार नहीं होता और बग़ैर शहावत के इंसान जो है वो उसने बोसा लिया है तो उससे वज़ू नहीं टूटता अगर शहावत के साथ है और रुतूबत खारिज हुई है तो उससे फिर वज़ू टूट जाता है, है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए समझ अता फ़रमाए यानी अमल करने की क्या कि बीवियों को रिस्पेक्ट देने की उनका एहतराम करने की भी तोहफ़ी का तह फरमाया